आप ये देख लो, 1.5 गिलास चाय रखी है यहाँ, 1 गिलास ये और 1 ये, और ये किसकी है? देखियो इधर को जरा, इधर को देख जरा तू। अरे मम्मी बची थी। 1.5 गिलास चाय लेके बैठी आज सुबह उठते ही मैंने इससे बोला था कि प्रियंका तू मेरी बात कहना मानेगी, हालांकि मेरी बात मानती तो है नहीं ये, फिर भी मैंने ऐसे एश्योर किया अपने आप को, क्या पता मान जाए। तो मैंने कह रही डिपेंड करता है मम्मी, मैंने कहा तू दूध पी लिया कर आज के बाद, मतलब आज शाम से तू दूध पी लिया कर। तो मुंह बना के बाहर आ गई, और इसने जो मैंने इससे बोला था ना कि दूध पी लिया कर, इसने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया ये 1.5 गिलास चाय रख के यहाँ पे। क्या किया जाए इस लड़की का, छोड़ दिया जाए या मरोड़ दिया जाए? तो हमारी पूजा वगैरह सब हो गई है, अभी नाश्ता कर रहे सब लोग, तो चलिए बने रहिए साथ में, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। Later that same evening. तो गाइज गुड इवनिंग, अब हो गई है शाम और मैं जो है ना मार्केट जा रही हूँ थोड़ा, क्योंकि एक दो चीज़ें लेनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको बताऊँ मेरे को ना पता है चक्कर आ रहा है, तबीयत ख़राब हुए तो कई दिन हो गए, बट ना मेरे को चक्कर आ रहा है आज, कल से आ रहा है, और आज तो इतना ज़्यादा आ रहा है ऐसा लग रहा है धरती घूम रही है पूरी। बट थोड़ा बाहर निकलती हूँ क्योंकि लेटे लेटे भी ना तबीयत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो मैंने ना कई सारे काम कर लिए हैं, जैसे कि खाने की तैयारी करनी है। पता है खाना खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, मेरा मन इतना ख़राब है ना कि मेरा खाना देखते ही अजीब सा हो रहा है, खाने को ही मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने ना इसके पापा को लगा दिया काम पे, ये काट रहे हैं यहाँ पे घिया, जिसका कि मैं रायता बनाऊँगी आने के बाद। और यहाँ पे ये बैठी हैं मैडम, ये तो मैडम ही बन गई पूरी, टीवी ही देखती रहती हैं। चलो मैडम बाजार चलो। यहाँ पे हैं ये छोटे भाई साहब, और यहाँ पे ना मैंने सब्जी अपने लिए जो बनाऊंगी ना हम तीनों जन के लिए, वो बनाऊंगी आलू मटर और सोयाबीन की। तो ये मैंने भिगो दिया है, आलू काटूंगी आने के बाद में। तो गाइस ये देखो आप कितनी अच्छी दही जमी है, देख रहे हो? ये देखो अच्छी जमी है ना, इसमें बहुत अच्छी दही जमती है। और अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। मार्केट से देखिए मैं आ गई हूँ, और ये देखिए कितने अच्छे मुझे ये बॉक्सेस मिले हैं। इसमें ना हम नमकीन भी रख सकते हैं, और कुछ चीज़ बचे जैसे तो फ्रिज में करने के लिए रखने के लिए, बड़े अच्छे लगे मुझे। कुल 30 रुपीज़ का एक डब्बी है ये, और बड़ी है काफ़ी, मतलब अच्छी है। हाँ, और ये कंजकों के लिए लाई हूँ मैं, और ये ना देखिए चौकोर है ये। अच्छा। हाँ हाँ ये देखो अच्छी है, बहुत अच्छा मिल गया मुझे। और एक लेना था मुझे ये वॉशरूम के लिए, ये एक कम पड़ रहा था हमारे पास, तो ये भी अच्छा मिल गया मुझे, सिर्फ 150 का मिला है ये, और काफ़ी मजबूत है ये। हमारे इस घर में ना 3 वॉशरूम्स हैं, तो हर रूम के लिए अलग दिया हुआ है। तो एक वॉशरूम में ना ये है नहीं पटरी, तो ये लानी थी। और हमारे घर जैसे हम घर से निकलते हैं ना रोड पे, बस रोड बीच की एक छोटी सी रोड है, मतलब रोड तो मेन रोड है बट उतना स्पेस है कि 30-40 कदम चल के मार्केट आ जाती है, और अच्छी मार्केट है। मैं आज तक उसमें पूरा नहीं गई हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी थी इसलिए मैं गई, वरना प्रियंका को ही भेज देती। और जब मैं आ रही थी ना मेरी कमर में जो इतना दर्द हुआ ना, क्योंकि मैंने रोटी पता नहीं कब खाई थी लास्ट टाइम मुझे नहीं पता, खाना नहीं खा रखा ना, तो मेरी कमर में इतना दर्द था वीकनेस की वजह से। फिर जल्दी से यही 2-3 चीज़ें ली और एक तरबूज लिया, फिर हम आ गए। फिर अभी हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लौकी उबालने रख दी है रायते के लिए, और अभी देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। और आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, तो गाइस ये मैंने देख रहे हो आप, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है ना, और सच में फ्लिपकार्ट वाले ना धोखा दे देते हैं भाई कभी कभी। तो ये देखो कितना छोटा है, ये मैंने कान्हा जी के ना ज्वेलरी रखने के लिए मंगाया है ये बॉक्स,
क्योंकि उनकी ज्वेलरी ना सारी ऐसी हो रही है, मिक्स हो रही है। बट ये बहुत महंगा दिया है पता है, 250 रुपये का है ये। ये देखिए, ये देख लो आप जरा कुल, ये मतलब इतना छोटा सा है और ये 250 रुपये का है। इसीलिए ना अपनी आंखों के सामने चीज़ें लेना मुझे ज़्यादा सही लगता है। देखो उसमें तो इमेज इतनी बड़ी दिखा देते हैं और ये कितना छोटा खिलौना सा लग रहा है ये, और 250 रुपये का है, 250। मुझे ये लगता है कि चीज़ें ना अपनी आंखों के आगे मार्केट से खरीद के लानी चाहिए ताकि हमें ना साइज़ का क्वालिटी का पता चले। इतना छोटा डब्बा है वो, बट हाँ ज्वेलरी मेरे कान्हा जी की आ जाएगी, जितनी आएगी रख दूंगी। तो जी मार्केट से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है किचन में खाना बनाने की तैयारी। तो घिया जो है वो उबल चुका था, इसको मैं निकाल रही थी किसी बर्तन में, और फिर मैं यहाँ पे छौंकूंगी आलू मटर सोयाबीन वाली सब्जी। तो टमाटर वगैरह सब कट गए हैं, तो यहाँ मसाला ना मैं भून चुकी थी तब मुझे याद आया कि मैं क्लिप लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि जब भी मैं ये सोचूँ ना कि मैं अच्छे से वीडियो बनाना शुरू करूँगी या पूरे दिन की ब्लॉगिंग करूँगी, उसी टाइम मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है, मसाला जो है अच्छे से भुन गया, सब्जी इसमें मैं डाल दूँगी। और सब्जी जो है मैंने ये बनाने के बाद फिर थोड़ी देर बैठ गई थी, इनकी एक तरफ इनकी आलू की सब्जी भी मैंने पका दी थी और हमारा आधा खाना बन चुका था तब तक। A few moments later. तो गाइज मैं बना रही थी खाना और देखो मुझसे मिलने कौन आया। हेलो करो ईशु, हेलो करो, राधे राधे बोल दो, देखो राधे राधे बोलो, राधे राधे बोल लो। देखो 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 ईशु, ईशी ईशी, ईशानी ईशानी, देखो देखो बुट्टू, इसको ना रिमोट चाहिए। क्या है बाबू, ये फोन थोड़ी है। चलो किसी करो, मासी को पुच्ची कर दो। टाटा करो, टाटा करो, टाटा कर दो। हेलो आए, छोड़िए राधे राधे बोल। ओहो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अच्छा बच्चा है ये तो, बहुत क्यूट। बाय बाय बाय। ओहो चलो भगू, बाय बाय। आ जाओ तो मम्मी की ना तबीयत खराब हो रही है, तो मम्मी इसलिए ना बैठ के हमारे लिए कचौड़ी बना रही है। और यहाँ पर दीदी उन्हें तल रही है। ये खाने जी को भोग लगाते हैं वो माता रानी सबको।